गुड इवनिंग क्लास 10। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गेन के बारे में। तो हम लोग चलते हैं होमोलोगस ऑर्गेन के बारे में, और लेसन हमारा कौन सा चल रहा है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चल रहा है ना। इसमें हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? सिमिलर होता है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। फंक्शन इनका डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? तो इससे हमको पता क्या चलता है? अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो भाई हमको क्या पता चलता है इससे? तो इससे हमको इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है वो हमको पता चलता है कि कैसे विकास हुआ था। आप अगर एग्जांपल्स जैसे ले लो, ठीक है, आप फोर लिम्स लो। फोर लिम्स आगे का भुजा होता है। फोर लिम्स किसका किसका आपको लेना है? तो देखो, फ्रॉग का लो, ठीक है, और उसके बाद आप बर्ड का लो, और क्या लो आप? रेप्टाइल का लो और ह्यूमन का लो, ठीक है। ये बर्ड्स किस में आते हैं? ये एप्स ग्रुप में आते हैं, और ये आपको ह्यूमन किस में है? मैमल्स में है, ठीक है। अगर हम इसका स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे लिम्स के क्या है? सिमिलर है। फ्रॉग, बर्ड, रेप्टाइल और ह्यूमन सबका सिमिलर है, लेकिन फंक्शंस क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे का भुजा आप देख लो, जो मेढक अपने फोर लिम्स से करता है, क्या आप करते हो? नहीं करते हो। क्या वो चिड़िया करती है? नहीं। सबका अलग अलग काम है फोर लिम्स का। फ्रॉग को देखो, अगर लिप करता है, ठीक है ना, तो रेप्टाइल्स क्या होता है? रेंगने में यूज करता है। और हम लोग तो देखो, खाना बनाने से लेकर लिखने तक से सब कुछ में हम लोग यूज करते हैं। हमारा जो मैक्सिमम वर्क होता है वो हैंड से होता है। तो हमारा जो फोर लिम्स है वो अलग तरीके से काम करता है, फ्रॉग, बर्ड, रेप्टाइल्स, ह्यूमन का अलग। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो कि सिमिलर ही स्ट्रक्चर है, तो फंक्शन अलग है। तो उसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन बोलते हैं, जिसका कि बेसिक स्ट्रक्चर तो सिमिलर हो पर फंक्शंस क्या हो? अलग अलग हो। तो इससे एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चलता है कि फ्रॉग से रेप्टाइल्स डेवलप हुआ, रेप्टाइल से फिर बर्ड्स डेवलप हुआ, बर्ड से फिर ह्यूमन डेवलप हुआ, मतलब मैमल्स ग्रुप डेवलप हुआ। और क्लास 9 में आप डाइवर्सिटी में पढ़ ही चुके, जहां हम पढ़ाए थे कि फिशेस होते हैं, फिशेस से क्या डेवलप होता है? जो फ्रॉग्स होते हैं एम्फीबियन स्वरूप, वो डेवलप होते हैं। एम्फीबियन से फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से फिर एप्स, और एप्स से फिर मैमल्स डेवलप होता है, याद है ना? तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि डेवलपमेंट होता है। तो इसी सब चीज़ों को देखने से ना पता चला कि इससे ये डेवलप हुआ, इससे ये डेवलप हुआ। तो जब उन्होंने स्टडी किया, साइंटिस्ट ने, तो देखा कि अरे इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, इसका मतलब इसके एंसिस्टर्स क्या होंगे? एंसिस्टर्स इसके क्या होंगे? कॉमन होंगे, ठीक है। इसके एंसिस्टर्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। आ गया समझ में? तो ऐसे ऑर्गेन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गेन बोलते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग, और ये इवोल्यूशन में पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखो इवोल्यूशन हो रहा है, ये विकास ही ना हो रहा है। मेढक से हम लोग बन यहाँ तक आ गए हैं ह्यूमन तक, तो विकास ही ना हुआ, इवोल्यूशंस। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा होमोलोगस ऑर्गेन क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गेन के बारे में। उसमें जस्ट उल्टा होता है कि उसमें फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें देखो स्ट्रक्चर सिमिलर है, उसमें क्या है ना, फंक्शंस क्या है इसमें? डिफरेंट है। वहां क्या होता है एनालोगस जब पढ़ोगे तो, कि फंक्शंस ही सिमिलर हो जाएगा और स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बर्ड्स का विंग्स लेंगे और बैट का, चमगादड़ का विंग्स लेंगे, और उसको स्टडी करके बताएंगे कि कैसे इसका फंक्शंस तो सेम है, मतलब उड़ने के ही यूज होता है, लेकिन स्ट्रक्चर देखोगे तो अलग अलग होता है। तो चाहे होमोलोगस ऑर्गेन हो या एनालोगस ऑर्गेन, दोनों को स्टडी करने से हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एनालोगस को डिफाइन कर देंगे।